नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवियावर और अय्या नगर स्थित गेल धनवंतरी में डीजीएम डॉक्टर एसके सिंह को कोरोना का पहला टीका लगाने के साथ ही शुक्रवार को कोविड 19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। वहीं धनवंतरी अस्पताल में जिले के नोडल अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर लखनऊ गीता अग्रवाल, SMO डॉक्टर शिशिरपुरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय पांडे, WHO मॉनिटर अधिकारी उदय चौहान व धनवंतरी अस्पताल के CMO डॉक्टर VS माथुर व DGM डॉक्टर SK खूंटिया, डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर निसी माथुर, डॉक्टर अचिंत्या सिंह व डॉक्टर विवेक, डॉक्टर रवि पांडे की उपस्थिति में आशा उषा प्रतिभा अनीता ने टीका लगाया। शाम 5 बजे तक 101 लोगों को टीका लगाया जाना है, जिनमें से 82 लोगों के टीके लगाए गए। धनवंतरी गेल के CMO VS माथुर ने बताया कि कोरोना वायरस की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विश्व में तबाही मचाने वाली कोविड 19 वायरस जैसी विकराल समस्या का अब समाधान निकल चुका है। दिबियापुर CHC में दो टीम सहित फफूंद PHC व गेल धनवंतरी अस्पताल में भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में टीके को लगाया गया। धनवंतरी अस्पताल के CMO डॉक्टर VS माथुर ने बताया कि गेल में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। सर, धनवंतरी जेल में भी कोविड वैक्सीन काम चल रहा है, क्या है सर बताइए। हमारा जो धनवंतरी अस्पताल है, ये भी एक कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक सेंटर गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है। यहाँ पे आज सुबह 9 बजे से ही हम लोगों ने टीकाकरण प्रारंभ कर दिया था और अभी तक हमारे करीब 50 लोगों ने यहाँ पे टीकाकरण करवा लिया है। और ये टीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुरक्षित है। हम सभी लोग एकदम पूर्णतः किसी भी लक्षण से अलग हैं, क्योंकि कोई भी लक्षण हम लोगों के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, ये टीका बहुत ही सेफ है और इसको जरूर लगवाना चाहिए ताकि हम कोविड महामारी पे हम लोग जो है नियंत्रण कर सके और उससे छुटकारा पा सके। इंडियन प्राइम न्यूज से औरैया से संवाददाता SK यादव की स्पेशल रिपोर्ट।